वहीं राजनांदगांव पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। शहर के पुरानागंज चौक में पुलिस ने एक युवक के पास से 28 लाख रुपए जब्त किए हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव के चलते पुलिस संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की लगातार चेकिंग की जा रही है। इस दौरान पुरानागंज चौक में चेकिंग के दौरान कार को रुकवा कर उसकी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान टीम ने कार से 28 लाख रुपए जब्त किए। पुलिस ने इसकी सूचना आयकर विभाग को दे दी है। फिलहाल पुलिस दद्दा आगे की कार्यवाही की रही है। अभी आगामी चुनाव को देखकर कल जिले भर में चेकिंग अभियान चलाया गया था, जिसमें गाड़ियों को चेक किया जा रहा था। इस दौरान कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत मारुति स्विफ्ट में चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति से 28 लाख रुपए बरामद हुए, जिस संबंध में उसके द्वारा कोई वैधानिक दस्तावेज पेश नहीं किया गया। तो अभी 102 में इसको जब्ती करके आईटी को विधिवत सूचना दे दी गई है और इसमें जांच जारी है और भविष्य में भी इस प्रकार की एमसीपी लगातार जारी रहेगी। इसके अलावा फ्लाइंग स्क्वाड और एसएसटी के द्वारा भी कार्रवाई की जा रही है। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति वस्तु आदि जो है पार ना हो पाए और चुनाव को फ्री फेयर कराने के लिए इस प्रकार की चेकिंग